मेनपुरी में अखिलेश ने दे दिया सरप्राइज। लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव को मैदान में उतारा। मेनपुरी उपचुनाव 2022 के लिए डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित किया। सपा पितामह मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मेनपुरी सीट पर बहू डिंपल अब विरासत को संभालेगी। समाजवादी पार्टी के तरफ से इसके आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा क्षेत्र मेनपुरी उपचुनाव 2022 के लिए अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित किया। सपा पितामह मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मेनपुरी सीट पर उनकी बहू डिंपल अब विरासत को संभालेगी। समाजवादी पार्टी के तरफ से गुरुवार को इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई। डिंपल को टिकट देना सरप्राइज करने वाला फैसला इसलिए भी रहा क्योंकि अखिलेश यादव ने करीब 5 साल पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अब पत्नी अब चुनाव नहीं लड़ेगी। अखिलेश ने इसे खुद डिंपल यादव का फैसला बताते हुए यह बात कही थी। डिंपल 2 बार सांसद रह चुकी है, कन्नौज से उपचुनाव और फिर 2014 के चुनाव में वह सांसद बनी थी। इसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के अलावा तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव में से किसी को मेनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। एक तरफ शिवपाल यादव भी यहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। सपा ने एक दिन पहले ही आलोक साक्य को मेनपुरी का नया जिला अध्यक्ष बनाया था। बीजेपी की तरफ से मेनपुरी लोकसभा सीट के लिए पूर्व प्रत्याशी प्रेम सिंह साक्य, पूर्व सांसद रघुराज सिंह साक्य, विधायक ममतेज साक्य की दावेदारी संगठन के सामने की गई। हालांकि संगठन इस बार किसी बड़े चेहरे को लड़ाने पर भी विचार कर रहा है। इसके लिए सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और सपा संस्थापक सूत्रों के अनुसार भाजपा के अंदर खाने की चर्चा यह भी है कि मेनपुरी उपचुनाव में मुलायम के दूसरे बेटे की पत्नी अपर्णा यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। उन्हें नेताजी मुलायम सिंह यादव की परंपरागत मेनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में कैंडिडेट बनाया जा सकता है। दरअसल यादव बिरादरी के वोट और मुलायम यादव परिवार के नाम के चलते भाजपा अपर्णा यादव को उतारने का मन बना रही है। बने रहें खबरदार न्यूज के साथ।